मदन सर मान सर शंकर सर अभिनव सर बहुत अच्छे सर मतलब उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा दो महीने का पहले प्री प्लान शेड्यूल होता था आप टेस्ट सीरीज देते थे उसके बाद में नीट का पेपर देने गए कितना अंतर था दोनों में हर रोज चार क्लास लेनी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपको क्लास लेनी है तो लेनी है बारिश आ रही है कुछ हो रहा है कि नहीं बाहर कई बार बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है पर वो बाहर के कुछ मॉड्यूल्स मंगा लेता है स्टडी मटेरियल मंगा लेता है बाकी कुछ और कहीं यूट्यूब से देखने लगता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है नमस्कार आज हम सब लोग हैं नागौर ज़िले के मकराना तहसील के पास में गांव है भिया कला वहाँ पर आए हुए हैं और कड़वा परिवार के साथ में हैं कड़वा परिवार के एक बेटे ने नीट यूजी में 660 अंक प्राप्त करके एमबीबीएस करने की ओर कदम बढ़ाया है और ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें जब आकर के हम मिले तो दादी माँ ने कहा कि भाई हमने अपने समय में निर्माण किया खेती करी अपने हाथों को ही हल बना करके ज़मीन को जोता और वहाँ से उसकी छाती चीर करके अनाज पैदा करा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया उनके बच्चे पढ़े भी व्यवसाय भी करते हैं और परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है वो पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर है उसमें से पहले भी दो डॉक्टर परिवार में बने और आज परिवार के तीसरे डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं सुनील कड़वा मेरे साथ होंगे और मैं चाहूँगा कि आप कैमरे को जो है वो पूरे परिवार की तरफ करें मेरे दाइनी और सुनील बैठा है सुनील कड़वा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई थैंक क्योंकि 660 सौ साठ अंकलाना एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और सुनील के बिल्कुल दाई ओर से जो है वो ताऊ जी बैठे हैं फिर ताऊ जी हैं फिर दादी माँ बैठी है फिर ताऊ जी हैं सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरे कड़वा परिवार से बातचीत करेंगे जानेंगे कि इन गाँव से भी कैसे बड़े सपने देखे जाते हैं और कैसे बड़े सपने पूरे किए जाते हैं इनमें से एक ताऊ जी हैं वो सरकारी अध्यापक भी हैं उनसे भी यहाँ के गाँव का अनुभव पूछेंगे सुनील से बातें करेंगे बड़ी मज़ेदार बातचीत होगी और गाँव की जो खुशबू है जो मिट्टी है उसकी सुगंध आपको इस परिवार के संस्कारों में भी इस परिवार के कार्यों में भी और सुनील की सफलता में भी देखने को मिलती है आइए बात करते हैं और जानते हैं एक और सफलता की बड़ी कहानी छः अंक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है नीट में राजस्थान के अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो चाहे भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में सुनील जाएगा एक अच्छा डॉक्टर बनकर के लौट करके आए और इन गांव गलियों में अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए इसको मजबूत बनाए इन्हीं भावों के साथ आज के कार्यक्रम को आज की इस बातचीत को हम शुरू करते हैं सुनील आपको तो मैंने बधाई दी है

तो थागड़ा जमाना हम तो पढ़ाई वढ़ाई इतनी थी तो कौन पढ़ाई लिखा टाबरा जरूर पढ़ाए थे हां ने पढ़ाया पढ़ावा जगह पढ़ावे ठीक बात है मैं तो है साधन नहीं खेती बाड़ी करता और मेहनत करता मेहनत मजदूरी करता सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सरकारी सेवा में हैं और मेरे पिताजी भी सरकारी सेवा से प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं और बहुत बार उनकी पोस्टिंग जो है वो गाँव में भी रही है शहरों में भी रही है लेकिन मैंने देखा कि गाँव में आज भी जो है वो माहौल या वातावरण बदल तो रहा है पर इतने छोटे गांव में आज भी उतनी जागृति शिक्षा को लेकर नहीं होती लेकिन आपके परिवार में बड़ी अच्छी जागृति है परिवार का तीसरा बेटा डॉक्टर बनाए और बहुत अच्छे स्कोर के साथ में बनाए तो कैसा क्या पूरा परिवार का रहता है सिस्टम देखो शुरुआत के अंदर हमारे परिवार में शिक्षा से जुड़े हुए कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे हमारे बड़े भाइयों ने कम ही पढ़ाई की जी लेकिन इसके बाद में सबसे पहला मैं यही था जिसने पढ़ाई की और मुझे इस बार सेक्टर में सफलता मिली कि मुझे सरकारी सर्विस जो मिला ठीक बात है इसके बाद में मैंने और बाकी सब लोगों ने मोटिवेट किया बच्चों को कि यदि आप पढ़ो तो आपको सब कुछ मिल सकता ठीक बात है और सबसे पहले हमने एक बड़ा जो तो लड़का था इनका मुकेश जी उनको तैयारी के लिए हमने कोटा भेजा और उसने तैयारी की और वो वेटनरी डॉक्टर आज जो है कर रहा

जैसे आपने इसके पहले भी दो दिए हैं वो सेल पढ़ करके दिया जैसे भी दिए मान लीजिए पर वो जो पहली बार चीज पढ़ी अगली बार भी वही पढ़नी है और फिर अगली बार भी वही पढ़नी है तो बोर नहीं होते थे क्या मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग सर <laughs> परेशानी हो जाते थे मतलब उनको पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के वही विषय वही टॉपिक वही क्वेश्चन फिर से मतलब ऐसे लाइन रट जाती थी कि ये लाइन यहाँ लिखी हुई है ये लाइन यहाँ लिखी हुई है लेकिन वो सिली मिस्टेक सर वापस एक चीज सिली मिस्टेक वापस वहीं ला के पटक देते थे सिली मिस्टेक

तो मैट्रिक्स की नी डिवीजन की जो पूरी टीम थी वहाँ का जो सिस्टम था उसके उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बहुत ही अच्छा रहा सर उस सिस्टम को देख के तो सिस्टम से तो जुड़े थे वरना तो पहले जिस इंस्टीट्यूट से उसे निकल के उस इंस्टीट्यूट से जुड़ना भी यही कारण था कि वहाँ का सिस्टम बोर्ड बहुत अच्छा लगा वो टीचर्स मदन सर मान सर शंकर सर अभिनव सर बहुत अच्छे सर मतलब उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा था परफेक्ट एकदम परफेक्ट एकदम मतलब और फिर उनकी मतलब वो जान लगा देना कि बच्चों के लिए कि बस पढ़ाना ही है बच्चों को ही लगाना है बस क्लास में तो है ही है क्लास के बाहर भी मिलना बच्चों से

ये बहुत बड़ी बात बहुत है बहुत मतलब बड़ी, मतलब बड़ी, मतलब बड़ी बात बड़ी है।, है और जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी आपकी बेहतरीन सर मतलब मैंने 2022 में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मतलब हमारे दोस्त दो तीन लोग थे ग्रुप में टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है उस वक्त वो स्टूड चल नहीं रहा था लेकिन फिर टेस्ट सीरीज चल रही थी उसकी तो फिर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है टेस्ट सीरीज फिर भी ज्वाइन की थी उस वक्त भी टेस्ट सीरीज ठीक बात है और अब प्रैक्टिकल में करा तो मज़ा आ गया मजा आ गया मतलब मज़ा आ गया एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा सर सारे टेस्ट दिए मतलब बड़े अच्छे से एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मतलब सब्जेक्ट कोई दिक्कत वाला कुछ ऐसा नहीं सब, सब्जेक्ट सब्जेक में कोई दिक्कत क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं शेड्यूल पूरा टाइट रहता था पूरा टाइट पूरा टाइट शेड्यूल पूरा और एक ये सही प्री प्लान रहते थे मतलब वो कि ऐसे नहीं है कि आज संडे है आज का टेस्ट है मतलब फिर कि कल बताएंगे कि कल अगला टेस्ट किसका होगा नहीं

फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक हर रोज चार क्लास लगनी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आपको क्लास लेनी है तो लेनी है बारिश आ रही है कुछ हो रहा है कि नहीं इसमें नहीं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है और वही है वही वही डेडिकेशन डेडिकेशन तो इतना इतना बड़ा स्कोर बनाता इतना बड़ा स्कोर स्कोर मतलब जैसे आ, आप टेस्ट सीरीज देते थे उसके बाद में नीट का पेपर देने गए कितना का अंतर था दोनों में नहीं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें वही सेम पैटर्न भी वही सेम था वही सेम क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन तो रेडीट

वैसा वैसा गया हाँ एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है भाई परिवार में एक बच्चा कर लेता तो एक मार्ग हो जाता वो रास्ता मिल जाता है उसमें रास्ता मिल जाता उसमें, जा। उसमें। सुनील अपने गांव के जैसे बच्चे हैं भाई ये आपका जब वीडियो है या मान लो इंटरव्यू है ये आपके पास भी पहुंचेगा गाँव के बच्चों तक भी जाएगा यदि मान लो गाँव के बच्चे इसको देख रहे हो तो उनको क्या मैसेज दोगे क्या सलाह देना चाहोगे आप बस डहना नहीं है बस एक ड्रॉप ऐसा नहीं है कि बस अब तो पढ़ाई हुई नहीं नंबर नहीं आए तो मतलब बस अब करना ही नहीं है दोबारा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस लगे रहना है एक बार नहीं तो अब की बार तो आएगा आएगा मेहनत को डबल कर दो बस और कुछ नहीं अगर मेहनत कर रहे हो तो फिर मेहनत करते ही रहो सही बात है आने से मतलब असफलता से आप हरो मत छोड़ो मत उस चीज को भाई असफलता उस दिन होती है जिस दिन आप सफलता का प्रयास करना सकरता बंद, सकरता कर बंद कर दे दे देते हो अदरवाइज तो फिर आप ऐसा हो नहीं प्रयास करते जाओ और प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती मिलती है आप सोशल मीडिया यूज करते थे कभी नहीं यूज करा नहीं नहीं अभी भी मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं करता सर अच्छा उस समय भी नहीं करते थे नहीं। आपका शेड्यूल मतलब मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि या तो आपकी तो आर्मी का सत्र हो गया भाई चार क्लासेस होनी है मतलब लगभग साढ़े छः घंटे फिर कोच मतलब जहाँ पर भी हॉस्टल या पीजी रहते थे वहां से आना जाना तो एक घंटा उसमें चला जाता था साढ़े सात घंटे तो ये गए उसके बाद में होमवर्क उसके बाद में रिविजन वगैरह कैसे होता था क्योंकि देखो बिना इतनी प्रैक्टिस के ई ए स्कोर आ नहीं सकता क्योंकि आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं मतलब आपको कंफर्मेशन चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको समझ में आए बिल्कुल सर तो ये कैसे मैनेज कैसे करते टाइम मैनेजमेंट क्या था आपका सर कोचिंग वाले टाइम मैनेजमेंट करके देते थे पूरा कि आपको ये टेस्ट शेड्यूल दे रहे हैं इसमें सब कुछ रिविजन हो रहा है जैसे मानसर बहुत बार बताते हैं कि आप हमारे साथ चलो आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है अच्छा कई बच्चे ये कहते हैं कि बाहर कई बार बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है पर वो बाहर के कुछ मॉड्यूल्स मंगा लेता है स्टडी मटेरियल मंगा लेता है बाकी कुछ और कहीं यूट्यूब से देखने लगता है वो सब इंपॉर्टेंट होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर उनकी मैंने पिछले सालों में ऐसा किया है कोई मतलब ही नहीं है उनका सर आप बस जो पैकेज है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवा रही है चीज़ें वो मोर देन सेफिसियंट है सर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको बायो तो खास करके बायो केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो मतलब बहुत है आपका जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया है और जो टीचर्स ने पढ़ाया है बस। उसको बस। पढ़ो और मस्त रहो रहो मस्त बस उससे ज्यादा खुशी मैं अभी नहीं एक, नहीं एक नहीं और बच्ची से मिल रहा था मैंने उससे पूछा कि तू क्या करती थी तो वो बच्ची क्या बहुत एक बहुत ठेठ गांव ढाणी से है उसने कहा सर मेरा ऐसा होता था मैंने उससे पूछा कितना पढ़ती थी बोले मेरे को कहा कि भाई ये घर जाके होमवर्क करना है ये रिविजन करना है वो मेरा घंटे भर में हो गया तो ठीक है दो घंटे में तो हो गया जैसे मेरा वॉस हो जाती थी मैं बोले और कल का कल करेंगे लेकिन मैंने कहा कि एक दिन भी छोड़ा नहीं बोले मैंने सर आज का काम आज फिनिश सो जाओ और सफलता आपके हाथ में होती है चलिए सुनील बहुत अच्छा लगा और अपने गांव के आपने एक अच्छा मैसेज भी दिया कि भाई आप सफलता से घबराए नहीं क्योंकि असफलता आएगी तो ही सफलता का मार्ग खुलेगा और ये जो आपने कहा ये बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं कि बहुत सारा पढ़ लें भाई हमें ज्ञानी तो ठीक है बाद में बनेंगे पहले एग्जाम पास करना है अब एक बार कॉलेज चले जाएँ सुनील मुझे लगता है कि आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है सबको तो ये लगता है कि सुनील का एग्ज़ाम पास हो गया और नीट ये यहाँ से यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये गेट खुला है यहाँ से सफलताएं अब तय करेंगी कि सुनील आगे कितना सिंसिर रहता है क्योंकि तो चार साल मेडिकल से आपका बच्चा वेटनरी डॉक्टर कर रहा है, है। नहीं 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 कर नहीं कर तो गांव के पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहो तो बताओ आप आसपास के क्योंकि ये पूरे नागौर में जाएगा वीडियो लोग देखेंगे तो पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो तो बताओ भाई पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ या क्या करो बच्चन पढ़ाना चाहिए, चाहिए कर्जो भी तो वैसा मेहनत करो और पढ़ो ठीक बात है कोई हिम्मत आरोप पढ़ाना पड़े सर सही बात है अब कोई सरकारी जॉब में लगावे कोई डॉक्टर बनावे कोई आई आई टी करावे कोई की करावे सही बात घर करके सर लेकिन फिर भी हिम्मत कर पढ़ाना चाहिए पढ़ाना पढ़ाना चाहिए ठीक बात आई है बोटी कमाई आई है

अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले या अच्छे डॉक्टर बने और कुछ अच्छा इतना बढ़िया करें कि फिर दोबारा आपके आपसे आकर के मिलें आपका घर बड़ा सुंदर है पीछे एकदम बढ़िया आराम से सारे पशु मवेशी भी हैं पूरा खेती का सामान है हम लो लोग खेतीयर लोग हैं खेती करने वाले लोग जो होते हैं वो धरती माँ से जुड़े हुए लोग रहते हैं और आ, किसान जो होता है उसका सदैव जीवन संघर्ष में बीतता है कभी ईश्वर के साथ संघर्ष होता है कभी प्रकृति के साथ होता है कभी जमीन के साथ होता है कभी अपने मन का संघर्ष होता है कि हाथ में पैसे नहीं होते फिर भी बच्चों को पढ़ाना है तो चाहे कर्जा करना पड़े मेहनत करनी पड़े फिर भी इन किसानों के बच्चे मेहनत करते हुए अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि वो भी बड़ी सफलताओं के हकदार होते हैं हम सामने से कई बार एक शब्द सुनते हैं गुदरी के लाल बट वो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि चाहे गांव की सामान्य गलियों में रहे लेकिन सफलताएं बड़ी पाई सुनील ने भी आज ऐसी सफलता को दोहराया है और जैसा सुनील ने कहा मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप यदि अपनी सफलता पाने के लिए एक कदम बढ़ेंगे हम चार कदम बढ़ने को तैयार हैं आप यदि मेहनत एक कदम करना चाहते हैं तो हम आठ कदम बढ़ करके मेहनत करेंगे लेकिन आप अपने सपनों के साथ आइए मैट्रिक्स नी डिवीजन आपको आमंत्रित करता है स्वागत करता है आपका सुनील जैसे और कई सारे डॉक्टर हम लोग तैयार करें अच्छे डॉक्टर बनाएं व्हाट अबाउट द डिसेंट डॉक्टर्स तो हम लोग सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाएंगे अच्छे और डिसेंट डॉक्टर्स भी बनाएं क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता उसको उसको आपको करके दिखाना पड़ता है आप सुनील से सुन रहे थे कि कैसे मान सर मदन सर शंकर सर अरियन सर बाकी सारे लोग आ, अभिनव सर कैसे लग करके बाकी पूरी टीम कैसे लग करके काम करती है कि वो सुबह से शाम तक कभी भी हारती नहीं थकती नहीं यही हमें करना है और मैं यही कहूँगा कि संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा तो लड़िए भिड़िए अपने सपनों को पूरा कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद दुन्याद। दुन्याद।